नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों पर। भोपाल, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भारत में हर तरफ जश्न का माहौल है। अयोध्या में धूमधाम से तैयारी की जा रही है। हर घर प्रभु श्री राम से जुड़े धार्मिक आयोजन कराने के साथ ही गली मोहल्लों से शोभा यात्रा, कलश यात्रा और बाइक रैली अभी से निकाली जाने लगी है। हर मंदिर में रामायण का पाठ करने के साथ ही भजन कीर्तन चल रहे हैं। वहीं राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद में महिला जागोरी समिति द्वारा दोपहिया वाहनों पर राम नाम लिखे झंडे लगाए गए। इस मौके पर समिति की अध्यक्ष साधना नंदू यादव ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस अवसर पर पहले ही मंदिरों, बाजारों, गलियों, सड़कों, मोहल्लों, कॉलोनियों और सोसाइटियों को भगवा झंडों और पताकाओं से सजाया जा रहा है। इसी क्रम में महिला जागोरी समिति ने दोपहिया वाहनों में जय श्री राम लिखे झंडे लगाए और लोगों से 22 जनवरी के लिए दीपोत्सव मनाने का आग्रह किया। कई सालों से संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है और अब वो दिन दूर नहीं है जब इस मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस पल के लिए सभी देशवासी उत्साहित हैं। जी, मैं सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम साधना नंदू यादव है। मैं महिला जागोरी समिति के अध्यक्ष। आज महिला जागोरी समिति के माध्यम से समस्त दो पहिया गाड़ियों पर भगवान श्री राम जी का छाया चित्र रूपी एक झंडा लगाया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समस्त पूरे देश में राम जी का जो माहौल छाया हुआ है। भगवान श्री राम जी अपनी जन्मभूमि पर अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। समस्त चौक चौराहे पर, गली में, मोहल्ले में भगवान श्री राम जी के ध्वज रूपी भगवा रंग छाया हुआ है। भगवान सभी, यहाँ तक कि हम बच्चों का देखेंगे, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक बहुत ही उत्साह से इस त्यौहार को मनाने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। उसी प्रकार महिला जागोरी समिति अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि हमारा सनातन धर्म निश्चित रूप से आगे बढ़े और सभी के मन में भगवान श्री राम जी की आस्था जागे, इसीलिए हम यह झंडा लगा रहे हैं भगवान श्री राम जी का दोपहिया गाड़ियों पर। यह हमारे भगवान श्री राम जी के प्रति हमारी आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है। जिस प्रकार से हमारी कई पीढ़ियों ने अथक संघर्ष किया और अपने प्राणों को का निछावर किया, उन्हीं के अथक संघर्ष के परिणाम स्वरूप, लाखों करोड़ों कार्य सेवकों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज यह दिन हम सबके जीवन में आ पाया है। इस दिन को हम निश्चित रूप से एक उत्साह से एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य और हमारे भगवान श्री राम लला आज से एक दिन बाद अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होने जा रहे हैं। यह अलौकिक और अद्भुत क्षण हमारे लिए होगा। जय श्री राम। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।